नमस्कार। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, इस बार का लोकसभा चुनाव काफी कंफ्यूजिंग लोकसभा चुनाव है, क्योंकि 2019 का भी चुनाव देखा जाए तो लोगों को काफी हद तक का अंदाजा था कि किसको ज्यादा सीट मिल सकती है और किसकी सरकार आ सकती है। पर लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव ऐसा है, जैसे जैसे चरण बीतते गए, पांचवा, छठा, सातवां चरण सामने आया, 1 जून को सातवां चरण है, तो अब असमंजस का माहौल पैदा हो चुका है। लोगों को अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है कि आखिर किसकी पार्टी आने वाली है, किसको कहां पर कितनी सीट मिलने वाली है। जिसके बाद एक पत्रकार है अनिल यादव, अनिल यादव काफी चर्चा में भी बने रहे हैं। मतलब अभी कुछ दिनों पहले इनका एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ था, जिस कारण पत्रकार अनिल यादव बहुत चर्चा में आए थे। और सिर्फ इतनी ही बात नहीं, अनिल यादव को लगभग 1 साल से ज्यादा हो चुका है ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए, इधर उधर घूमते हुए, वहां की खबर इकट्ठा करते हुए, वहां की खबर जनता के सामने लाते हुए काफी समय हो चुका है अनिल यादव को। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए। तो अनिल यादव ने जो है एक रिकॉर्ड सामने लाया है। यशवंत देशमुख का वे एक वीडियो क्लिप अपने सोशल मीडिया पर डालते हैं। यशवंत देशमुख जो है सी वोटर चलाते हैं। सी वोटर एक ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, इस तरह के पोल्स देता है, बहुत बड़ा पोल्स देता है। मतलब इस पोल के थ्रू काफी हद तक का आपको अंदाजा भी लग जाता है, काफी अच्छा एक ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल सी वोटर देता है कुल मिला के। जिसके बाद अनिल यादव लिखते हैं, ये यशवंत देशमुख है, सर्वे एजेंसी सी वोटर चलाते हैं, कई पार्टियां इनकी एजेंसी की सेवाएं लेती हैं। वैसे इनके 90% सर्वे हमेशा बीजेपी ही जीतती है। चुनाव स्टार्ट हुआ तो ये भी बीजेपी को बाजा फाड़ बहुमत दे रहे थे, अब पलट गए हैं और कह रहे हैं कि चुनाव फंस गया है। इन तमाम कथित एक्सपर्ट्स के मुकाबले अपन देवन से कह रहे हैं कि चुनाव जनता लड़ रही है, यूपी में बीजेपी 50 सीट भी नहीं जीत पाएगी। और ये सब बात अपन इसलिए कह पाए क्योंकि हम घर और ऑफिस में बैठकर नहीं, जनता के बीच जिला जिला, गांव गांव जाकर उनका मूड जाने। और मेनली यशवंत देशमुख यूपी की बात कर रहे होते हैं और बताते हैं कि यूपी में बीजेपी के कम सीट पाने का एक ये भी फैक्टर रह सकता है, ये भी कारण रह सकता है कि जो इस बार टिकट दिए गए जिन नेताओं को, मतलब उनको जनता ने इतना पसंद नहीं करा, जिस कारण जनता ने वोट कट गए, एक तरीके से वोट कट के दूसरी पार्टी के पास पहुंचे हैं, ये भी एक फैक्टर रहा है। ऐसा इस वीडियो क्लिप के द्वारा यशवंत देशमुख ने बताया कि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। और हालांकि इस बार इंडिया गठबंधन ने ये बहुत सही करके एक तरीके से प्रयोग करा कि जो टिकट है वो उन्हीं नेताओं को देना पसंद करे, चाहे वो नए चेहरे हो चाहे वो पुराने चेहरे हो, जिन पर उनको भरोसा था कि जनता इनको वोट देगी। हालांकि बीजेपी ने और जगह पर इस चीज़ का प्रयास करा और इस तरीके से टिकट भी दिए उन नेताओं को जिन पर जनता का भरोसा भी था, और उधर वहाँ पर बीजेपी को सीटें भी मिली। पर लेकिन यूपी में ही ऐसा रहा और इस कारण यूपी में जो है चुनाव फंसता हुआ नजर भी आया। हालांकि फिर बता दूं मैं, ये चुनाव बहुत असमंजस सा चुनाव बीत रहा है, किसी को कोई ढंग से अंदाजा लग ही नहीं पा रहा है। हालांकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, जल्दी रिजल्ट आने वाला है 4 जून को। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो पत्रकार अनिल यादव कहते हैं, अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।